अब से करीब 20 मिनट के बाद में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया और नृपेंद्र मिश्रा जो कि पूर्व पीएम के सलाहकार थे जो कि राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो समिति बनाई गई जिसके चेयरमैन हैं उनके बीच में एक मुलाकात होने जा रही है। माना यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद में दोनों की मुलाकात होगी और इस मुलाकात में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के तस्वीर साफ हो सकती है क्योंकि कल अयोध्या जा रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा। हमारे सहयोगी चंद्रमणि इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ने हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि इस बैठक की शुरुआत कितनी देर में होनी है। चंद्रमणि मिश्रा हमारे साथ में, शुक्ला हमारे साथ में, माफ कीजिएगा, फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। चंद्रमणि, अब से कितनी देर में माना यह जा रहा था कि 5:30 बजे के आसपास इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी, इस बैठक को किस नजरिए से देखा जाए क्योंकि कल भी वो अयोध्या जाएंगे और उसके बाद में वहां पर संतों से मुलाकात करेंगे, ट्रस्ट के अध्यक्ष से भी मुलाकात होनी है, आज की इस बैठक को किस नजर से देखा जाए? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी कुछ समय बाद ही जो नृपेंद्र मिश्रा हैं वो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात काफ़ी अहम होने वाली है क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर निर्माण को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं और तमाम जो मुद्दे हैं जैसे कि डिजाइन को लेकर है, मॉडल को लेकर है और जो भूमि पूजन की तारीख है और शिलान्यास की तारीख है, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की जाएगी और आज मुख्यमंत्री के साथ में बृहद तौर से नृपेंद्र मिश्रा चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो उन पर भी काफ़ी जिम्मेदारी है। हालांकि जो मंदिर निर्माण का कार्य है वो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट करेगा, लेकिन जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, जो सुविधाएं देनी है, जो सड़क और जो पर्यटन को लेकर तमाम चीज़ों की व्यवस्था करानी है वो योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। तो जाहिर सी बात है इन तमाम मुद्दों को संयुक्त रूप से एकत्र करके यहाँ पर चर्चा की जाएगी और कल नृपेंद्र मिश्रा के बाद अयोध्या जाएंगे जहां पर वो नृपेंद्र मिश्रा के आज की इस बैठक के बाद ही आज ही अयोध्या जाएंगे या कार्यक्रम कल का है? जी बिल्कुल, कल नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या जाएंगे, जैसे कि कल 29 फरवरी है और 29 फरवरी की तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 4 साल में एक बार आती है और अगली जब 29 फरवरी आएगी उसके पहले राम मंदिर का निर्माण हो चुका होगा, ऐसी बातें की जा रही है। लेकिन इनका वास्तविकता से अगर कुछ बात करते हैं तो कल शुक्रिया, आपने कहा बना करके रखे, जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद भी आपकी तरफ रुख करेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया।